ज्योति से शादी पवन ने सिर्फ दिखावे के लिए की है। अगर आप पवन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालें, तो एक बात बहुत चौंकाने वाली है। उन्होंने न अपने शादी की और न ही अपने पत्नी की एक भी फोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की है और मीडिया इंटरेक्शन में वो अपनी शादी को लेकर ज्यादा बातें नहीं करते। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि उनकी शादी से जुड़ी एक भी फोटो उन्होंने दोनों सोशल अकाउंट पर नहीं रखी है, ना ही फेसबुक पर और ना ही इंस्टा पर। हाँ, उनके फैंस द्वारा चलाए गए उनके इंस्टा अकाउंट पर जमकर फोटो पोस्ट की गई है। अगर खेसारी लाल यादव को छोड़ दें तो ना ही निरहुआ और ना ही पवन कभी भी अपनी पत्नियों की फोटो पोस्ट करते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर और ना ही फेसबुक अकाउंट पर। हाँ, एक बात तो तय है कि इन दोनों के अकाउंट यानी कि निरहुआ के अकाउंट पे आप आम्रपाली की और पवन के अकाउंट पर आप अक्षरा की फोटो पोस्ट बराबर देखते रहेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने को-स्टार की फोटो पोस्ट मत कीजिए, लेकिन जब खेसारी लाल यादव अपनी वाइफ की फोटो हर एक ओकेजन पर अपने साथ पोस्ट कर सकते हैं, तो आप दोनों भी भोजपुरी के मजे हुए और जमे हुए कलाकार हैं, तो आप दोनों को भी अपनी पत्नियों की फोटो तो अपने साथ पोस्ट करनी ही चाहिए। भोजपुरी जगत की अधिक से अधिक जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए।